सो हेलो गाइस, मानू बिजन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y91i डिवाइस के अंदर आप बैटरी पावर को सेव कैसे कर सकते हैं। जी अगर जब आपकी बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली आपको मैं कुछ सेटिंग्स वगैरह बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी फ़ोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो चलो हम डेमो करके आपको दिखाते हैं कैसे इसका यूज़ करना है, कौन से सेटिंग्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। गाइस मैं आपको कोई एप्लीकेशन वगैरह रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन होते हैं आपके फ़ोन में अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो वो भी जो है बैटरी पावर को कंजप्शन करते हैं। और जो सेटिंग्स का मैं बताने वाला हूं इससे आप अपनी बैटरी पावर को सेव कर सकते हो, ना कि किसी एप्लीकेशन से। तो इसे करने के लिए गाइस क्या करना होगा, सबसे पहले कंट्रोल सेंटर को ओपन कर लेना। और ये जो कंट्रोल सेंटर है वीवो का V11 डिवाइस हमारा है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको जो कंट्रोल सेंटर मिलेगा वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। आपको क्या करना है, जो सेटिंग्स हमारे फोन में है 3 डॉट का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, सिंपली इस पर प्रेस करना है। यहाँ पर जितने भी कंट्रोल सेंटर के ऑप्शंस होंगे शॉर्टकट के सभी इनेबल हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है लो पावर मोड का और सुपर सेवर मोड का, दोनों ऑप्शंस जो है हमारे इस कॉर्नर में है और इस कॉर्नर में ये ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से एक्चुअल में ऑन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने 3 डॉट का इस्तेमाल किया और यहाँ पर ये सारे के सारे शॉर्टकट ऑप्शन आ चुके हैं। सिंपली हमें ऑन करने के लिए लो पावर मोड का यूज़ करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। हमारी डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है काफ़ी डाउन हो रही है, ऑटोमेटिक डाउन हो रही है। देखो ये जो है एक्चुअल में डाउन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, जिससे डिस्प्ले की अगर लाइट डाउन हो गई तो डेफिनेटली आपकी बैटरी जो है सेव होगी। और गाइस यहां पर आइकन देख सकते हो बैटरी की, ये भी येलो हो चुकी है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो लो पावर मोड है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे। और गाइस हम क्या करेंगे, इसका हम शॉर्टकट समझते हैं सेटिंग से। सिंपली सेटिंग को ओपन कर लेना। बैटरी का ऑप्शन हर फोन्स में मिल जाता है वीवो के जितने भी डिवाइस हैं, ये शॉर्टकट ही मिल रहा है, इस पर सिंपली हम प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको भी सेम इंटरफेस में भी देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, नॉर्मल मोड हमारा यूज़ है और लो पावर मोड की हमने बात की थी, आप यहाँ से भी लो पावर मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। लो पावर में कुछ सेटिंग्स आपको दिख रही है जिसमें आपको लॉक टाइम, स्क्रीन लॉक टाइम और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ऑटो और टच फीडबैक एंड इनेबल, तो ये जो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता है लो पावर मोड, तो आप इसका यूज़ कर लेना ऑन करके। और नीचे आपको सुपर पावर सेविंग का मोड मिलेगा। एक्चुअल में गाइस इसका एक एप्लीकेशन आता है जिसे किड्स मोड बोलते हैं, इस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हो तब जब आपको फ़ोन के अंदर कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं करनी है, तब आप इस सुपर पावर सेव का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए आपको शॉर्टकट कुछ भी नहीं मिलता है, आपको मिल जाता है यहाँ पर सुपर सेवर मोड का ऑप्शन मिलता है, इसका ये शॉर्टकट है और एप्लीकेशन भी इसका मिल जाता है और यहाँ सेटिंग्स भी आप इसको इनेबल कर सकते हो। सो फिलहाल नीचे आएंगे, पावर कंजप्शन रैंकिंग का ऑप्शन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इसमें हम रैंकिंग चेक कर सकते हैं कौन सा सिस्टम हमारा, कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी पावर को कंजप्शन कर रहा है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा सा जब तक ये लोडिंग ले रहा है और इसका हम यूज़ बताएंगे कैसे आप इसे कम करके अपने फ़ोन की बैटरी को सेव कर सकते हो। लुक एट दिस गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको व्हाट्सअप जो देख सकते हो 19% बैटरी हमारी कंजप्शन कर रहा है और यूट्यूब भी हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए जस्ट हमें इसका यूज़ कम करना होगा और इसी यूज़ को कम करेंगे अगर तो डेफिनेटली हमारी जो बैटरी पावर हो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और गाइस यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक आते हैं, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हाई बैकग्राउंड पावर कंजप्शन का, इसको हम प्रेस करेंगे और यहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन हमारा जो है बैकग्राउंड में रन कर रहा है जो सबसे ज़्यादा बैटरी पावर का कंजप्शन करता है। तो फिलहाल हमारा इंस्टाग्राम में जो 31% की बैटरी यहां पर यूज कर रहा है और इसको मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है क्योंकि ये बैकग्राउंड में अगर रन नहीं करेगा तो डेफिनेटली बैटरी पावर हमारी बचेगी। तो ऐसे करके आपको जितने भी ऑप्शंस में आपको लगे कि बैटरी पावर ज़्यादा एमएच यूज हो रही है तो आप इसको जस्ट ऑन पर क्लिक करिए और ये ऑन हो जाएगा। और इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है कैसे आप जो है बैकग्राउंड में रन एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हो डेवलपर मोड की मदद से, तो आप इसको चेकआउट कर लेना, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल गाइज कुछ यही सेटिंग्स है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ना कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिससे आप जो है कंजप्शन को रोक पाए बैटरी के। तो आप जो है एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं होता, आप जो है इसी सेटिंग्स का यूज़ करके अपनी बैटरी पावर को सेव कर सकते हो और इसकी मदद से आप जो है 10-20 घंटे नहीं 1-2 घंटे का बैकअप आप इससे ले सकते हैं। सो उम्मीद है गाइज आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, फिर भी इससे रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजिंग हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।